एक तरफ इंदौर में प्रवासी सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट की धूम मची हुई है, वहीं दूसरी ओर सफाई से जुड़े एक विशेष अभियान की शुरुआत शहर में हुई। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल डिवीजन के सेंट्रल हेड प्रमोद कुमार पति ने बताया कि ग्रेसिम ने देश विदेश में 8 स्थानों पर केमिकल उत्पादन प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य प्रभावी तरीकों से गंदगी को जड़ से समाप्त करना है। ग्रेसिम ने स्वच्छता अभियान के तहत 2 टैंकर केमिकल से शहर के कई इलाकों में छिड़काव किया। इंदौर नगर निगम के सहयोग से केमिकल का छिड़काव वार्ड क्रमांक 70 में किया गया। इस अवसर पर पार्षद भरत रघुवंशी ने कहा कि छिड़काव से क्षेत्र की अनेक बस्तियों में राहत महसूस हो गई। श्री रघुवंशी ने महापौर से आग्रह किया कि ग्रेसिम के सहयोग से यह अभियान पूरे शहर में चलाया जाना चाहिए। कंपनी की गुणवत्ता जानने वाली टीम ने केमिकल छिड़काव के बाद होने वाले असर का अध्ययन किया। सफाई का यह अभियान शहर के अनेक इलाकों में जारी रहेगा। इस अवसर पर उज्जैन के समाजसेवी राजेश अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए और नगर निगम कर्मचारियों का हौसला बढ़ाते हुए क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और ड्रीम सिटी का नारा दिया। अंत में सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने आभार माना। इस कंपनी के फोन आया कि हमको, तो बोले आपके वार्ड में ये काम करना चाहते हो, जो बिरला ग्रुप जो काम कर रहा है ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इससे हमारी वार्ड का चमन होगा, इससे हमारे वार्ड में जो गंदगी है उसको मुक्ति मिलेगी, मच्छर मक्खी है जो भी है उससे हम मुक्ति मिलेगी, और इस ग्रुप के साथ हम पूरा हमारा नगर निगम और हमारे वार्ड का हर कर्मचारी हर मतदाता हम इनको पूरा सहयोग करेंगे। इन लोगों को जिस तरह का सहयोग मांगेंगे हम इनके साथ कर लें, बिरला ग्रुप में काम करें, बिरला ग्रुप के साथ खड़े हैं, ये बहुत अच्छा काम है, इससे हमारा वार्ड एक पिछड़ा हुआ वार्ड है। वार्ड नंबर 70 में बस्तियाँ बहुत हैं, आप जाके देखिए वार्ड नंबर 70 में बेक लाइन देखिए, गलियाँ देखिए, जिससे ये बिरला ग्रुप काम करेगा, इसका छिड़काव करेगा, इससे हमारे वार्ड के मतदाताओं को अच्छा राहत मिलेगी, इससे हमारे वार्ड की गंदगी कम होगी, जो अधिकतर हमारे मतदाता बीमार पड़ते हैं वो बीमारी से मुक्ति मिलेगी, और हम बिरला ग्रुप और नगर पालिका निगम का दोनों का आभार मानते हैं जो हमारे वार्ड नंबर 70 से ये काम का प्रारंभ करा। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय भारत सिंह रघुवंशी, वार्ड क्रमांक 70 का पार्षद, भारतीय जनता पार्टी इंदौर। तो नगर पालिका निगम वार्ड क्रमांक 70 से आपकी जो कंपनी है इसके माध्यम से सैनिटाइजर की शुभारंभ किया जा रहा है, यह सैनिटाइजर कोई स्पेशल बताया जा रहा है, किस तरह का सैनिटाइजर है और आम जनता को किस तरह से इससे बेनिफिट मिलने वाला है? आज माँ अहिल्या की पावन नगरी में इंदौर सिक्सर लगाते हुए छठी बार देश में प्रथम स्थान पाया है, वो माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी की प्रेरणा को लेकर हम एग्जीक्यूट करने के लिए आज हमारी जो कंपनी है ग्रेसिम, उनने अपना जज्बा दिखाते हुए इंदौर शहर में सोडियम हाइपो क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, कार्बोलिक तमाम केमिकलों से शहर को सैनिटाइज, सुंदर एवं स्वच्छ भारतीय प्रवासी लोगों के लिए बना रहे हैं। उसके लिए हम महापौर जी, मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी, स्थानीय शासन एवं पत्रकारों को बधाई देते हैं। ये जो सैनिटाइजर है क्या खासियत है, बता रहे हैं कि मक्खी मच्छर भी खत्म होंगे इससे, क्या क्या? ये सोडियम हाइपोक्लोराइड और कार्बोलिक का मिश्रण है जो कि किसी भी तरह के दुर्गंध गंध को ख़त्म करता है, और चूंकि क्लोरीन कंटेंट है इसलिए इसमें किसी भी तरह का कहीं कोई गैसेस वगैरह इसका वो नहीं हो पाता है, पूर्णतः सर सैनिटाइज रहता है। आपका परिचय? 8 घंटे इसका प्रभाव रहता है। आपका परिचय? राजेश अग्रवाल, प्रीमियर हाइजीन सर है ना, आपकी कंपनी ने बनाया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की विशेषता है और क्या मन में भावना रही है कंपनी संचालकों की, लोगों का स्वास्थ्य लाभ के लिए इस तरह का? पहले तो मैं नमस्कार सभी पत्रकार भाइयों बहनों को, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तरफ से ये केमिकल छिड़काव इसके लिए प्लान किया गया है बिकॉज स्वच्छता के लिए कंपनी बहुत ही प्रतिबद्ध है और हम चाहते हैं कि सही तरीके से इसको छिड़काव करें। इस केमिकल में ये है कि इसमें क्लोरीन कंटेंट रहता है और इसमें जो भी गंदगी है जैसे मक्खी है, मच्छर है या किसी तरह से गंदगी जो पास में है उसका पूरा निवारण होगा, और उसके लिए हम महापौर जी का तय दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और ये हम पहले इंदौर से शुरू कर रहे हैं, अब ये हम सारे MP में हर जगह पे हर तालुका में आप लोग के सहयोग से ये काम आगे बढ़ेगा। आपका इंट्रोडक्शन? मैं प्रमोद कुमार पति हूँ, जोनल हेड हूँ ग्रेसिम इंडस्ट्रीज से, इंदौर डिवीजन से।
मार्केटिंग से। सर इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट भी है कि इसमें छिड़कते हैं तो बच्चे? नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि हम कोई डायरेक्ट स्किन के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं लाते हैं। हम ज़्यादातर नाले जो भी कचड़े एरिया है उसी में डालते हैं। धन्यवाद। आज से कंपनी के माध्यम से नगर पालिका निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 70 से एक अभियान शुरू किया गया सैनिटाइजर करने का। इस सैनिटाइजर के माध्यम से तमाम तरह की गंदगी भी दूर होगी और बहुत अच्छा इसका प्रभाव पूरे वार्ड में रहेगा। आज से शुभारंभ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वार्ड क्रमांक 70 हमारे बीच हमारे लोकप्रिय पार्षद आदरणीय भरत रघुवंशी जी यहाँ हैं और इन्होंने वार्ड क्रमांक 70 में सबसे पहली शुरुआत जो सैनिटाइजर की है वो राज मोहल्ले की वाल्मीकि बस्ती से इसका शुरुआत किया है। इसी प्रकार पूरे इंदौर शहर में होगा और आगे भी इसी प्रक्रिया को अगर अपनाएंगे इसी कंपनी से कांटेक्ट करके तो निश्चित यहाँ पर डेंगू, कालरा, मलेरिया, हैजा, पीलिया ऐसी तमाम बीमारियों से नागरिकों को निजात मिलेगी। मैं इस कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बधाई देता हूँ। आपका इंट्रोडक्शन? प्रताप करोसिया, प्रदेश अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी मोर्चा।